देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही चारों धाम के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में प्रातःकालीन अभिषेक में हुई विशेष पूजा अर्चना। सैलरी कटने से परेशान सफाई कर्मचारी ने की आत्महत्या की कोशिश, पड़ोसियों ने बचाया। अब आज इसने कहा भाई मैं दवाई का इलाज कराऊं, रोटी खाऊं, अब फिर जहर खा के मर जा, पंच लगा के मर जा। अगले भाई 8 महीने हो गए, आज मैं फिर पंच लगा के मर रहा। अपनी बीवी को कहा देख जरा बाहर क्या होगा, हाजिरी पास आया, इसने लगा के अंदर के दोनों ताड़े और इसने लगा के फांसी और लटक गया। वो तो अच्छा मेरा नसीब अच्छा था कि वहाँ पर मेरे समाज के मेरे सफाई कर्मचारी थे, वहाँ से वो एकदम दौड़े वहाँ से, उन्होंने पिछले कमरे की वो प्लाई प्लुई तोड़ के इसको जो है बाहर काट डाला। चार धाम यात्रा रोक हटी, बद्रीनाथ धाम में खुशी व जश्न का माहौल, देव स्नानम बोर्ड की हुई पूरी तैयारियां। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी संघर्ष समिति की टीम जिनमें स्थानीय निवासी थे, पंडा पंचायत थे, पुरोहित समाज था, बामणी समाज था, माणा था, साधु समाज था और अन्य भंतमा समाज था, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी स्टॉल लगाया गया। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरा देश जो मना रहा है, तो जो युवा है इस देश के वो बेरोजगारी दिवस के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो सरकार द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार वो युवाओं को देंगे, और जब इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई थी तो कहा था कि 2 इंजन लगने से इस प्रदेश में तीव्रता से विकास होगा। और आज प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में सबसे अधिक है, पूरे देश का इतना बुरा हाल है, जिन लोगों पर रोजगार था उन लोगों का रोजगार छिन चुका है सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार की लगातार उपेक्षा से राशन विक्रेताओं का सब्र का बांध टूट रहा है, जिस पर उन्होंने अगले माह से हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। जो हमारा भाड़ा है, हमारा कमीशन, हमारा मानदेय है, यदि इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम इस अन्नपूर्णा अन्न महोत्सव का बहिष्कार करेंगे और हम इस माह अगले माह का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे, जैसा भी दुकानदारों ने ये सब ने तय किया है। जिला अस्पताल पौड़ी के कर्मचारियों का डांस वीडियो हुआ वायरल, अस्पताल प्रबंधक ने लिया संज्ञान। कल रात एक वीडियो वायरल हुआ है किसी की बर्थडे पार्टी का या किसी का, तो ये मैं अभी सभी स्टाफ की मीटिंग बुलाया हूँ और ये जानकारी ले रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये किस कब की बर्थडे पार्टी है, किस तरह का सेलिब्रेशन था और ये कब हुआ, किसके द्वारा ये बनाया गया। अगर इस तरह के इंसिडेंसेस अगर हॉस्पिटल प्रेमाइजेस में अगर हुए हैं तो ये चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएगी, ये डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए दिए जा रहे हैं मल्टी न्यूट्रिएंट्स। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को मकान दिलाने की मुहिम को अंजाम दिया गया, वहीं आवास योजना धरातल पर अपात्र लोगों को मिलती नजर आ रही है। पंचायती घर में साहब आई थी, हम वहां पर पहुंच गए और जिस वक्त जहां जांच के लिए गए वहां से मौजूदा प्रधान ने पहले ही सेटिंग करके औरतें इकट्ठी कर रखी थी, जिसके वजह से मेरे पर हमला भी किया गया। अब वहाँ से जाँच तो क्या करते, वहाँ अपना ये पल्ला बचाना भारी हो गया था। सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको बड़े जोश से मना रहे हैं और सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज सुबह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, गरीबों को जूस फल हम बांट रहे हैं और आज यहाँ मसूरी में देहरादून में एक जगह हम एक अहिर मंडी में हम बांट कर आए हैं और आज ये मसूरी में यहाँ के कुड़ी बच्चों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में, क्योंकि जो केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो पूजा होती है और दीर्घायु की जिसका जन्म होता है कामना करते हैं, हमने सुबह पूजा करके उनकी दीर्घायु की कामना की है।
राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्राप्त जीजीआईसी पेंडुल की छात्र प्रियांशी व शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह। सर, मैं बच्चों के पास जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बच्चों, विज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विज्ञान को जियो, विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारिए, तब जाकर के कहीं आप सफल होंगे कि आपने विज्ञान की शिक्षा ली। तो इस तरीके से मेरे बच्चे जो होते हैं, और दूसरी चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है कि समाजोपयोगी बने। अगर हम इस प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमें इस प्रकृति को लौटाना होगा। तो बस कुछ ऐसी प्रेरणाएँ होती, और ज्ञान को हम लोगों ने देना है, वो हमारी ड्यूटी है। हम बतौर टीचर हैं तो हम उनको विज्ञान का ज्ञान जो है वो देते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे प्रेरणा लेते हैं, और बच्चे भी हमारे अच्छे हैं तो कहना मानते हैं। रुड़की वन विभाग ने देर रात इमलीखेड़ा क्षेत्र में बिना परमिशन के अवैध रूप से काटे जाने वाले पेड़ों की सूचना पर पहुंचकर आम की लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। मुखबिर द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि इमलीखेड़ा क्षेत्र में एक आम के बाग को आम काटा जा रहा है। तो सूचना के प्राप्त होते ही हमारे द्वारा तुरंत ही वहाँ मौके पर कुछ हमारे स्टाफ को भेजा गया था। तो स्टाफ ने मौके पर जैसे ही वहाँ पर गया तो कुछ लोग आम के बाग को काट रहे थे, जिसमें से उन्होंने चार पेड़ को काट दिया था। तो उन पेड़ के जैसे ही स्टाफ हमारे वहाँ पहुँचा तो जो काटने वाले थे वहाँ से फरार हो गए। तो मौके से हमने वहाँ पर जो उनके द्वारा प्रकाश काटा गया था उसे बरामद कर लिया था। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो।